आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में कापू समुदाय के लोगों ने रत्नांचल एक्सप्रेस को आग लगा दी। वारदात के वक्त ट्रेन के सारे मुसाफिर ट्रेन से उतर चुके थे। कापू समुदाय खुद को ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। रविवार को हिंसक आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगाने के साथ ही तूनी में एक पुलिस थाने को भी फूंक दिया। हिंसा में पुलिस के 8 वाहन खाक हो गए, जबकि 4 रेलवे कर्मचारी जख्मी हुए हैं। कापू आंदोलन को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आपात बैठक बुलाकर हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। कापू समुदाय को ओबीसी में शामिल करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। कापू समुदाय का आरोप है कि चुनाव से पहले नायडू ने उन्हें ओबीसी में शामिल करने का वादा किया था। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 21 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसके बाद बिगड़ते राजनीतिक हालात को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। श्रीनगर में अपने घर पर बुलाई इस बैठक में महबूबा मुफ्ती राज्य में सरकार गठन पर चर्चा करेंगी। राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा के सीएम पद की शपथ न लेने से राजनीतिक संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद सूबे में गवर्नर रूल लगा दिया गया। पाकिस्तान के सरहद से सटे राजस्थान के पाली में एक दिन पहले फिर एक खेत में ट्रांसमीटर डिवाइस बैलून के कुछ टुकड़े मिले हैं। केनवरा गांव में मेलेटिक रंग का बैलून और डिवाइस रस्सी से बंधा हुआ था। उस पर बैटरी के साथ एंटीना भी लगा था। जोधपुर एयरफोर्स की टीम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। 26 जनवरी को इसी जगह से करीब आधा किलोमीटर दूर संदिग्ध बैलून मिला था, जिसे एयरफोर्स के सुखोई विमान ने मार गिराया था। पंजाब के पठानकोट में एक नहर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इनमें AK-47 राइफल की 3 मैगजीन और 29 बुलेट के साथ ही 15 बोर की राइफल्स और 29 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद इस जखीरे ने खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। ठाणे के मुमरा इलाके के रहने वाले ISIS के एक और संदिग्ध मोहम्मद फरहान को NIA ने हिरासत में लिया है। NIA को संदेह है कि मोहम्मद फरहान सीरिया गया था और ISIS के संपर्क में था। मुंबई ATS और NIA ने एक सप्ताह पहले ही ISIS के एक सदस्य मुदब्बिर शेख को भी मुमरा से गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले की गढ़ाकोटा तहसील के सरकारी कस्तूरबा गांधी प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल की करीब 40 छात्राएं दूषित खाना खाने से बीमार हो गई। इनमें से 23 छात्रों की हालत बिगड़ने पर उन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इन छात्रों ने हॉस्टल के वार्षिक उत्सव में पूरी सब्जी खाई थी। सभी छात्राएं 6वीं से 8वीं क्लास की हैं। पूर्वांचल का एम्स कहा जाने वाला वाराणसी BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में इलाज कराने आए 7 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। मरीजों ने आरोप लगाया है कि बीती 28 तारीख को आंख का इलाज कराने आए थे। डॉक्टर ने उन्हें एक सुई लगाई और सुबह इनकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर अब दवा कंपनी को कसूरवार बता रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने जींद में आदि शंकराचार्य को लेकर दिया है विवादित बयान। स्वामी रामदेव ने शंकराचार्य को खूटा ठोक यानी काम में रुकावट डालने वाला कहा। उज्जैन महाकुंभ में हो सकती है राम मंदिर निर्माण की घोषणा। फरुखाबाद पहुंचे राम मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष पीठाधीश्वर महंत जन्मजे जी महाराज ने इस बात के संकेत दिए। निर्माण की घोषणा उज्जैन कुंभ में धर्माचार्यों के मंच में, उसमें सूफी संत भी होंगे, मुस्लिम धर्माचार्य भी होंगे और हमारे हिंदू धर्माचार्य भी होंगे, सबके बीच में ये घोषणा कर दी गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि दिल्ली की समस्याओं की जड़ मुख्यमंत्री केजरीवाल की कार्यशैली है। सरकार और MCD की जंग में परेशान दिल्ली वाले हो रहे हैं। भूषण कोलकाता में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अफगानिस्तान के CEO अब्दुल्ला अब्दुल्ला आज दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे। अब्दुल्ला का PM मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। दिल्ली के संगम यार इलाके में 2 गुटों में संघर्ष के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की जा रही है। संगम विहार में शनिवार को लड़की के साथ छेड़खानी की खबर के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल में अब MCD के अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं। पिछले 6 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर हैं और केजरीवाल सरकार से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से एक हफ्ते से पूरी दिल्ली में कूड़ा नहीं उठाया गया है।
इससे निपटने के लिए अब सरकार ने खुद कूड़ा उठाने का काम शुरू किया है। रविवार से ही पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने 100 ट्रक सड़कों पर उतारे हैं। बीजेपी की सत्ता वाली एमसीडी और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के बीच हड़ताल को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। एमसीडी मेयर रविंद्र गुप्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सतीश उपाध्याय का कहना है कि फंड को लेकर सरकार झूठ बोल रही है, जिसे वो जनता के सामने उजागर करेंगे। दिल्ली के रेयान स्कूल के छात्र दिव्यांश की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों के सुरक्षा इंतजाम पर रिपोर्ट तलब की है। सरकार ने निर्देश दिया है कि स्कूल एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करें। 6 साल के दिव्यांश की स्कूल के सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई थी। दिव्यांश की मौत पर आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक केस फाइल करेंगे। सहरावत स्कूल मैनेजमेंट पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि स्कूल का लाइसेंस खत्म किया जाए। दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में आज से मरीजों को दवाइयों के साथ कई मेडिकल सुविधाएं फ्री में मुहैया कराएगी। इनमें सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और पथरी के टेस्ट भी फ्री हो जाएंगे। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के मंत्री और उत्तराखंड वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष राव सज्जाद ने कार्यक्रम में बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस मंत्री व खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन राव सज्जाद और उनके समर्थकों ने बार बालाओं पर जमकर नोट भी उड़ाए। वर्तमान में सत्ताधारी टीएमसी के जिला परिषद सदस्य नरेंद्र चक्रवर्ती को एक तमंचे और 3 राउंड बुलेट के साथ हिरासत में ले लिया गया है। नरेंद्र चक्रवर्ती स्पाइसजेट की फ्लाइट से चेन्नई रवाना हो रहे थे, तभी जांच के दौरान उनके पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुए। महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे आंदोलन पर जताई नाराजगी। कहा, अगर किसी महिला को श्रद्धा से जाना है तो वो मंदिर में जा सकती है, लेकिन जिन महिलाओं को जिद करके जाना है वो समाज की शांति भंग न करें। भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया। शिवराज ने भोपाल में आयोजित 4th कृषि अवार्ड फंक्शन में किसानों को सम्मानित किया। रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा ने यूपी के लोकायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। यूपी में 22 महीने से लोकायुक्त का पद खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय मिश्रा की नियुक्ति की है। राज्यपाल राम नाईक ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान के धौलपुर जिले में नायला रोड पर एक नाबालिग लड़की का खून से लथपथ अर्धनग्न शव मिला है। अपनी दादी को खेत में खाना देने गई नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि लड़की की बलात्कार के बाद हत्या की गई है। पुलिस की प्राथमिकी जांच भी आरोपों को सच बता रही है, हालांकि उसे अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। धौलपुर में लड़की का शव मिलने के बाद लोगों ने नायला रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान जाम खुलवाने पहुंचे पुलिस के 2 वाहनों को उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और जमकर पथराव किया, लिहाजा पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारी जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं हंगामा बढ़ने की आशंका में इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। झारखंड के देवघर में कॉलेज रोड स्थित एक सरकारी बस डिपो में खड़ी बस अचानक धू कर जल उठी। लपटें इतनी तेज थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता दूसरी बस भी इसकी चपेट में आ गई। बाद में लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू कर सके, लेकिन तब तक दोनों बसें पूरी तरह खाक हो चुकी थी। खड़ी बस में आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक शिक्षक पर मासूम छात्र की पिटाई का आरोप लगा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि छात्र सरस्वती पूजा के लिए बुलाई गई मीटिंग में देर पहुंचा था। पीड़ित छात्र को कान में गंभीर चोट लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन खामोश है। राजस्थान की करौली पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जो तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। पुलिस के मुताबिक इस ढोंगी बाबा के जाल में फंसी कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आउसग्राम इलाके में 20 साल के एक इंडो तिब्बतियन जवान का शव मिला है। मृतक जवान शेख जमालुद्दीन इसी साल इंडो तिब्बतियन फोर्स में शामिल हुआ था और 4 फरवरी से ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था। जमालुद्दीन के परिजन उसकी हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंबई में आज रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने की मुहिम के तहत छात्र मार्च निकालेंगे। हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद
देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठन आज मुंबई में मार्च निकालेंगे। मुंबई में 23 साल का एक दिव्यांग जागरूकता फैलाने के लिए आज साइकिल से दिल्ली तक का सफर तय करने की मुहिम का आगाज करेगा। हिमांशु कुमार नाम के इस लड़के ने कहा है कि वो 15 दिन में 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। मशहूर फिल्म एक्टर गोविंदा और डायरेक्टर सतीश कौशिक एक कार्यक्रम के सिलसिले में जयपुर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की और अपने डायलॉग से दर्शकों का मनोरंजन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 573 डांसर्स ने मराठी डांस लाणवी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कोल्हापुर की डांसर संयोगिता पाटिल ने एक साथ 573 डांसर्स के साथ 13 मिनट तक लाणवी डांस करके ये रिकॉर्ड बनाया है। ये कार्यक्रम कोल्हापुर के शाहू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री, सांसद और हजारों दर्शक मौजूद थे। अहमदाबाद में बना देश का पहला अंडर वाटर रेस्टोरेंट। जमीन से 20 फीट नीचे बने इस एक्वेरियम नुमा रेस्टोरेंट में 1,60,000 लीटर पानी के अंदर 32 लोगों के एक साथ बैठने का इंतजाम है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया। प्रकृति से गरीबी का एहसास दिलाने के लिए यहाँ रंग बिरंगी मछलियां भी रखी गई हैं। टनल शेप में बने इस रेस्टोरेंट का नाम धैर्य पोसिडोन रखा गया है, जिसका मतलब होता है समुद्र का राजा। घातक कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा पैदा करने का दावा किया है 10वीं के एक छात्र ने। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र का कहना है कि गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए गैस का इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने में किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के बरवानी में एक आदिवासी महिला ने स्वयं सहायता बैंकों की सीरीज बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। रीवा देवी नाम की इस महिला को एक बार बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रीवा देवी ने अपने प्रयास से 400 गांवों में स्वयं सहायता बैंक खड़े कर दिए, जिनमें लोगों से महज 2-2 रुपए या 5-5 रुपए लेकर करोड़ों की रकम जुटा ली गई है। गुजरात के बड़ोदरा में 23 साल की एक लड़की ने अनोखी मुहिम छेड़ी है। निशा राजपूत नाम की इस लड़की ने एक डिस्काउंट कार्ड बनाया है, जिसके जरिए गरीब लोग सस्ती कीमत पर दवाएं और जरूरत के दूसरे सामान खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अनिल जोशी नाम के एक शख्स ने अपनी मेहनत से इलाके को सूखे से बचाया और प्रकृति का संरक्षण भी किया। अनिल जोशी ने आज से 10 साल पहले लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया और पानी के 11 चेक डैम के साथ लगभग 15,000 पौधे भी लगा दिए। सिडनी T20 में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत के साथ इतिहास रच दिया है। पहले ही सीरीज जीत चुके धोनी के धुरंधरों ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को उसी के वतन में 140 साल बाद क्लीन स्वीप का जख्म दिया। आखिरी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के सामने 198 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे भी टीम इंडिया ने बौना बना दिया और 7 विकेट से जीत हासिल की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को एक बार फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा ने तूफानी शुरुआत दी, लेकिन इसी दौरान 9 गेंदों पर 26 रन बनाकर शिखर धवन आउट हो गए और मैदान पर इनफॉर्म विराट कोहली उतरे। विराट ने आते ही रोहित के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी, लेकिन 13वें ओवर में जब भारत का स्कोर 124 रन था, रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 38 गेंद में 52 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। दूसरे छोर से विराट शबाब पर थे, लेकिन 15वें ओवर में विराट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कैमरन का शिकार बन गए। बल्ले का इनसाइड एज लेकर गेंद उनके पैड से टकराकर विकेट से जा लगी। विराट ने अपनी पारी में 36 गेंद में 50 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। विराट के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर उतरे, जो लंबे अरसे बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे। इस सीरीज में युवराज को पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। शुरुआती कुछ गेंदों में युवराज दुविधा में नजर आए, लेकिन उनके जोड़ीदार सुरेश रैना ने आक्रामक बल्लेबाजी कर युवराज पर बना दबाव दूर कर दिया। रैना ने 25 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 49 रन बनाए और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। मैच का सबसे रोमांचक पल आखिरी ओवर रहा। टीम इंडिया को जीत के लिए अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए थे और स्ट्राइक युवराज सिंह के पास थी। युवराज ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर युवराज ने अपने चिरपरिचित अंदाज में शानदार छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक रैना को दे दी। बाकी 3 गेंदों पर जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, जिसे रैना ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अंजाम तक पहुंचाया। हार के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शेन वॉटसन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। वॉटसन ने 71 गेंद पर नाबाद 124 रन बनाए थे। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली बने। विराट ने 3 मैचों में 199 रन बनाए। कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर
मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के रूप में